प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का दौरा किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काशी को दी करोड़ों रुपयों की सौगात, विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट करके दी जानकारी। जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, वहीं पीएम मोदी ने सरकारी स्कूल के बच्चों के मिड डे मील के लिए सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र का शुभारंभ किया। यहां कई बच्चों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा देखकर मोदी दंग रह गए। किसी ने सुनाई कविता तो किसी ने करके दिखाया योग, किसी ने सुनाया शिव तांडव, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। भूमाफिया यशपाल तोमर की NH-58 हाईवे स्थित वेदव्यासपुरी में 5 करोड़ की कीमत की कोठी को ब्रह्मपुरी पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने इससे पहले कोठी से संबंधित सभी दस्तावेजों को जुटाया। पुलिस का दावा है कि माफिया ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर अपने भाई नरेश तोमर के नाम पर इस कोठी को किया हुआ था। शातिर यशपाल तोमर लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया करता था। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में किया CHC हैदरगढ़ में औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को देखकर CMO बाराबंकी को फोन पर लगाई फटकार। CHC में OT का दरवाजा सालों से बंद होने पर काफी नाराज हुए। OT के अंदर फैली गंदगी और टूटे हुए खिड़की दरवाजों को देखकर भड़के ब्रजेश पाठक। अटेंडेंस रजिस्टर देखकर ब्रजेश पाठक ने सभी कर्मचारियों के लिए जानकारी। CMO साहब, हैदरगढ़ CHC पे हैं। अक्सर भी तो पूरा अस्पताल का तो बैंड बजा दिया है। आप कब से नहीं आए हॉस्पिटल में? OT रूम में कभी खुला ही नहीं। OT रूम इनका, OT रूम चेक किया था आपने? OT रूम के दरवाजे गिरे हुए हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, पूरा बंद था, इसमें बदबू इतनी आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमीन पर बैठकर सुनी भाजपा कार्यकर्ता की समस्या। एक दिव्यांग कार्यकर्ता शिव मोहन की फरियाद सुनी। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ता का प्रार्थना पत्र भी लिया। राजबब्बर को MP MLA कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में दर्ज कराई थी FIR। सपा के प्रत्याशी थे राजबब्बर। मतदान अधिकारी से मारपीट का था मामला। मुरादाबाद रॉयल पैलेस पर चला बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने बैंक्वेट हॉल के पिछले हिस्से पर कार्रवाई की। 100 गज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त करवाया। कांट रोड स्थित बैंक्वेट हॉल का है पूरा मामला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर से CM आवास पर पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। भगवंत मान अपनी पहली पत्नी से वर्ष 2015 में अलग हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड स्थित एक होटल में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित राइज इन उत्तराखंड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है।